इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के राधे राधे बाबा ने पुलिस की शरण ली है। बाबा को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर मिली धमकी के बाद एक शिकायती आवेदन दिया है। इंदौर पुलिस जांच में जुट गई है। क्या राधे राधे बाबा की जान को खतरा हो सकता है? बाबा ने कुछ इसी आशय का एक शिकायती आवेदन पुलिस को सौंपा है। राधे राधे बाबा ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही रात्रि को 9:11 पर एक कॉल आई थी, जो मुझे मार से धमकी दे रहे थे, मारने की, गाली बक रहे थे, उठा ले जाने की धमकी दे रहे थे। उसका मैंने छतरीपुरा पुलिस थाने में आवेदन दिया है। और ये क्या है, जो कट्टरपंथी लोग जो हमसे चिढ़ते हैं, सनातन के जो विरोधी हैं, वो ऐसा कार्य करते रहते हैं। पहले भी मेरे को धमकियाँ आई है, मोहरम के ऊपर भी सन से जुदा ऐसे नारे मेरे आश्रम पर लगे हैं। बहुत बार मेरे को धमकियाँ भी आई है, हमले भी हुए हैं, आश्रम पर भी हुए हैं। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने जो भोजशाला के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है कि ASI के द्वारा भोजशाला की खुदाई होगी, उसका मैंने स्वागत किया था, उसके ऊपर वक्तव्य दिया था, उसके बाद मेरे को ऐसी धमकी आई है। क्या इसको भोजशाला से जोड़ के अभी जो भोजशाला में निर्णय हुआ है उसको जोड़ के देखा जा सकता है? परंपरा के लिए बने ही है, तो भोजशाला से भी हम लोग आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और हमारी अखिल भारतीय संत समिति, चाहे से काशी विश्वनाथ का मुद्दा रहा हो, चाहे से राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, और चाहे इससे भोजशाला का मुद्दा रहा हो, सब में सक्रिय भूमिका अखिल भारतीय संत समिति की रही है। इसलिए कट्टरपंथियों द्वारा पहले भी हमले किए गए हैं और धमकियां दी गई है, आश्रम पर भी और मेरे ऊपर भी, और मोहरम के ऊपर भी अभी संत से जुदा वाले नारे जो हैं वो भी लगाए गए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। राधे राधे बाबा संत समाज के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लिया है। संत महाराज है, एक उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है छतरीपुरा थाने में। उनके द्वारा ये बताया गया है कि एक अननोन नंबर से उनके पास कॉल आया था और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उसके बाद मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा। इस आधार पर उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। और जो नंबर है वो नंबर 13 डिजिट का नंबर है, 13 डिजिट का नंबर है। जो इस तरह के नंबर जो वर्चुअल नंबर होते हैं, फिलहाल इस पर जो जाँच बैठा दी गई है, इसमें आवेदन दे दिया गया है और जाँच की जा रही है। जाँच पर आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह के तथ्य आवेदन में उनके द्वारा नहीं दिए गए। पुलिस ने अब फोन कॉल की जांच की बात कही है, साथ ही ये भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे फोन कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।